प्लीज़ इंग्लिश रिटर्न टुडे वी आर गोइंग टू लेटर एच टुडे वी आर गोइंग टू लर्न लेटर एच आपके पास जो फन विथ लेटर्स की जो बुक है वो ओपन कीजिए ओपन योर टैक्स बुक एंड पेज नंबर ट्वेंटी टू ओपन योर टैक्स बुक पेज नंबर ट्वेंटी टू Which letter is this? This is letter H. This is small letter H. H four horse H four hand H four house H four hand H four horse H four hand H four house H four and okay, how to write small letter H? Okay, start from the top, start from the top up to down, make a standing line, start from the top up to the down, standing line. Then go to the middle, make a curve, curve down, go to the middle, go down. Okay, repeat again. Small edge. How to write small edge?

ट्रेसिंग करना है ओके स्टार्ट फ्रॉम द टॉप अप टू द डाउन गो टू द मिडल, कर्व, डाउन स्टार्ट फ्रॉम द टॉप मेक अ स्टैंडिंग लाइन गो टू द मिडल, कर्व, डाउन दिस इज स्मॉल लेटर एच वी repeat again make a standing line go to the middle curve down repeat again standing line go to the middle curve down this is small letter edge small letter H H4 hand H4 house H4 hand H4 house H4 hand H4 hand. इस तरह से आपको एच में ट्रेसिंग करना है स्टैंडिंग लाइन गो टू द मिडल कव डाउन ओके यहाँ पे अभी जहाँ पे आपको ट्रेसिंग नहीं दिया है वहाँ पे क्या करना है इस तरह से डॉट रख देना है ओके okay? और ये डॉट को आपको जॉइंट करना है स्टैंडिंग लाइन गो टू द मिडल होमवर्क का पेज है वहाँ पे आपको ट्रेसिंग करना है ओके okay? यहाँ पे क्या दिया है कलर द पिक्चर दिस इज हैट एच फोर हैट यहाँ पे भी आपको ट्रेसिंग करना है रे रीड एंड ट्रेस द लेटर यहाँ पे आपको डॉट दिया है तो इस तरह से आपको स्टैंडिंग लाइन करना है देन गो टू द मिडल कव डाउन स्टैंडिंग लाइन गो टू द मिडल कव डाउन स्टैंडिंग लाइन गो टू द मिडल देन कव डाउन ओके इस तरह से आपको एच लिखना है एच फोर है एच फोर हैं एच फोर हाउस एच फोर हैंड ओके धैन ट्रेस द लेटर एच यहाँ पे भी आपको जहाँ पे लेटर एच है वहाँ पे ट्रेसिंग करना है एच फोर हैं एच फोर हैट एच फोर च फोर होम एच फोर होल्ड एंड एच फोर है आज हमने कौन सा लेटर सीखा स्मॉल लेटर एच एच फोर होर्स एच फोर हैंड एच फोर हाउस एंड एच फोर हैंड ओके बाय बाय चिल्ड्रन